इन जो हमारे शहर में घर है आज उसका होम टूर कराते हैं। तो गाइज आ जाओ अंदर। ना जंगल है ना, ये जंगल भाई 30 किलोमीटर का ये जंगल है, बहुत बड़ा जंगल। इस जंगल में शेर भी है, ये देख भाई शेर का बोल डाल लिया ये बाबा। लोगों को भी एकदम ही मैंने सरप्राइज दे दिया कि मैं हिमाचल जा रही हूँ। नमस्कार, गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो अभी बज रहे हैं सुबह के 10, तो हम जा रहे हैं आज हिमाचल और मैं हूँ बहुत ज़्यादा खुश। मुझे एकदम ही सरप्राइज़ मिला है और आप लोगों को भी एकदम ही मैंने सरप्राइज़ दे दिया कि मैं हिमाचल जा रही हूँ। तो हम क्यों हिमाचल जा रहे हैं ये तो आपको दूसरे ब्लॉग में पता चलेगा, ब्लॉग को लास्ट तक ज़रूर देखना। गाड़ी तैयार है, सामान तैयार है। अरे एक तो इसको तो जाऊँ गोलू तुम ही जाएगा बेटा, बैग तैयार कर दिया मम्मी का, चल रख फिर गाड़ी में बैग रख दे, हिमाचल में जा रहे हैं। तो दादी आज वापस भी बाहर हम जाने लग रहा, गर्मी में देखो कितना। दादी का आशीर्वाद ले ले। ठीक है दादी, फिर जाओ ध्यान रखना अपना, दादी ने याद आ गया। काम तो साधना ही है, दादी ने गला ले चलना पढ़ देख आगे। फिर यार दादी की तो क्या बोलते हैं, कौन डे गना, दादी की तबीयत ठीक रहे, काम खाई सर कोई। दादी का बहुत मन करता है कोई बात जानने को, दिख रहे हैं लगा दिन के आवाजन ओके। आज तो तू ही चला क्योंकि तू अपने घर जा रही है, जान तला तार हो रही है। हां लवा आज ही मां चलाई करेंगे ड्राइविंग, आवा बैठा है पीछे, मेरा सपना पीछे पूरा हो जाएगा। पहले तो सामान रखो, आज सारा सामान रखो और कौन रखेगा, मेरे नौकर लाए रे, मेरा बच्चा नहीं था, ये भी अपने नानू नानी से मिलके आएगा। चल बेटे रख, लेना युवा का घर है। कौन सा सामान देना प्रिया, ये थाली रही सच्ची हाँ। चला लेना भूख लगी, मां चला बोली मेरे खातिर चौमिन बनवा दे। तो भाई चौमिन खानी है तना, चौमिन खानी, हाँ चौमिन ही खानी। तो भाई मां चला ली ने भूख लगी थी, चौमिन बनवा दी है रस्ते में, और भाई चौमिन बनकर रेडी अपनी हिमाचल वाली खान लगी है। भाई अभी हम हिमाचल के अंदर आ चुके हैं, ये हिमाचल की सीमा स्टार्ट हो गई है। बहुत ज्यादा बारिश हुई है यहाँ पे और हमारे यहाँ बिल्कुल भी बारिश नहीं हुई थी क्योंकि वहाँ पे बहुत ज्यादा धूप। बाबू कितना जलावना को, कितना डरावना जंगल है ना, ये जंगल भाई 30 किलोमीटर का ये जंगल है, बहुत बड़ा जंगल। इस जंगल में शेर भी है, ये देख भाई शेर भी है और हिरण भी है, और देख भाई है ना सब कुछ है। तो भाई आप भी आओ पहाड़ों में एंजॉय करो, लेकिन आजकल मत आओ क्योंकि आप लोगों को पता है बहुत नुकसान हो रहा है पहाड़ों में। जल्दी जल्दी चल बाबू, बारिश होने और एक हो रही है, और भाई थोड़ा सा एंजॉय करने चलो, चलते हैं पार्क में। कहाँ पर? थोड़ा सा यार पता है क्या, ज्यादा ट्रेवल कर करके मैं थक गई हूँ, तो मेरे बच्चे ना परेशान हो गए। एक चक्कर मार के रात लेट हिमाचल, तो आज सुबह हो रही है हमारी हिमाचल में पहाड़ों में, और सुबह से बारिश हो रही है बहुत ज़्यादा। तो आगे आपको दिखाएंगे, प्रिया गई हुई है पार्लर में क्योंकि उन्हें थोड़ा काम करवाना था। भाई गोलू ना पूरा मजा है रहा देख, हिमाचल में आ गया और पूरी शरारत कर रहा देख, क्या कर रही बेटा ये देख रहा भाई पानी को कैसे चल रहा। आ गए हैं ब्यूटी पार्लर से, देखो मैंने थ्रेडिंग कराई थी, आप लोगों को पता होगा मेरे कितने हेयर आ गए थे यहाँ पे बहुत ज़्यादा लंबे लंबे। तो भाई मैं हमेशा जब भी आती हूँ तो यहीं ब्यूटी पार्लर में जाती हूँ, अपना काम कराती हूँ। और मैं बिंदी लिया यार, बारिश आने लग रही है, और अपने इयर रिंग्स ले आई भाई क्योंकि सोने के थे जो घर में छोड़ गई, जल्दी जल्दी में याद ही नहीं रहा। तब जल्दी जल्दी घर चलते हैं, मम्मी का फोन आने लग रहा कि आज रोटी खा लो। तो बहुत सारे लोगों के कमेंट आ रहे थे कि आप अपना हिमाचल वाले घर का होम टूर कराओ, होम टूर कराओ। तो जो तो पहाड़ों वाला घर है वहाँ तो हम नहीं जा सकते, लेकिन जो हमारे शहर में घर है आज उसका होम टूर कराते हैं। तो गाइज आ जाओ अंदर। तो ये यहाँ पे है हॉल, और ये यहाँ पे टीवी पैनल अभी बनाया, लेकिन अभी हमने यहाँ पे टीवी नहीं लगाया। और यहाँ पे है किचन जिसका ये मेन गेट है, और ये यहाँ पे तीन तीन कुक लगा रखे हैं हमने, इन कुक को भी दिखा दो। इन्होंने अभी कटहल की सब्जी बनाई है, एक यहाँ पे नारियल की, नारियल को छील रहे हैं क्योंकि अभी दूसरे घर का हमने घर प्रवेश करना है, तो अभी आप लोगों को दिखाएंगे, लेकिन वो दूसरे से दिखाएंगे। तो अब कमरे की ओर चलते हैं गाइस, ये यहाँ पे वॉशरूम है, यहाँ पे हैंड वॉश करने की वॉश बेसिन लगा हुआ है, और ये मेरे मम्मी पापा का कमरा। आइए यहाँ पे हमारे भगवान जी, ये हमारा प्यारे से मंदिर बनाया, अभी अभी हमने इस मतलब
अभी अभी बनाए हैं घर, 2-3 साल हो गए इस घर को बनाए हुए। तो भाई अब दूसरे घर का घर प्रवेश करने वाले हैं, मम्मी पापा जा रहे हैं और मैंने आरती की थाली ले ली है, पंडित जी ने ये सारा सामान दे दिया। यहाँ पे मतलब जब घर प्रवेश होता है तो कलश यात्रा शुरू होती है, तो पानी का जो कलश है वो भर के ले आएगी मेरी भाभी, तो आप लोगों को भी दिखाएंगे। गाय जा जो आकर के क्या करता है, और ये आप लोगों ने मेरा कार्टून बतीजा था पहले ही देखो पैसा तो तो भाई यहाँ पे घर प्रवेश हो रहा है और मैं तो यहाँ ऊपर चढ़ नहीं सकती कि नीचे फिसल के आ जाऊँगी, और भाई ज़्यादा अच्छा नहीं है मेरे लिए ऊपर ज़्यादा चलना भी। तो यहाँ पे पूजा हो रही है, पंडित जी पूजा कर रहे हैं और गाइस मेरे भाभी और भाई की वो थोड़ी सी संकल्प कर रहे हैं जो बोलते हैं हमारे उसमें, पंडित जी मंत्र पढ़ रहे हैं और कलश ठा लिया सर के ऊपर, अब नीचे आएंगे और अपने घर में प्रवेश करेंगे। यो देवता चंद्रमा देवता मनो देवता देवता। तो इस तरह कुछ कलश यात्रा थी और अब अपने घर में जाएंगे और अपने घर में इस कलश को ले जाएंगे, जल है इसमें। प्रवेश था, आप लोगों ने भी देख लिया, तो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके बताना। और अब सारे जने अंदर चले गए, ये हमारा नया मकान बनाया है मेरे भैया ने।